हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने भी यहां पर अपने Facebook अकाउंट में टू फैक्टर लगा रखा है और यहां पर अपने अकाउंट को लॉगिन करने जाते हैं, लेकिन यहां पर टू फैक्टर की वजह से आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी यह प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं और किस तरह से यहां पर अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को पूरी प्रोसेस एकदम लाइव सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप सभी आ जाएंगे तो देखिए आप यहाँ से अपना फेसबुक ओपन करते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद जब आप यहाँ पर जो है लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने चीज़ें दिखाती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा यूज़र नेम दिखा देगा और यहाँ पर लिखा है चेक योर नोटिफिकेशन ऑन अनदर डिवाइस। अब देखिए इसमें हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम ट्राई अनदर वे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाता है, जिसमें कि लिखा है कि व्हाट्सएप पर आप कोड मंगा लीजिए, जो कि हमारे पास नहीं आता। नंबर सेकंड, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ऑन अनदर डिवाइस दिखाएगा, ये भी हमारे से नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ से जो सी मोड पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर दिखाता है कि टेक्स्ट मैसेज आप यहाँ मंगवा सकते हैं अपने मोबाइल नंबर पे। तो देखिए यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है। आप देखिए आप कैसे अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको जो है एक चीज़ लगने वाली है, वह यह रहेगी कि आपको एक अकाउंट आपका होना चाहिए, कोई दूसरा अकाउंट आपका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको जो है एक अपना फेसबुक अकाउंट नया बना लेना है, या फिर आप अपने किसी दोस्त का या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी अकाउंट एक फेसबुक का ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना दूसरा अकाउंट ले लिया है, यहाँ पर मैंने उसको लॉगिन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप आपको अब पता चलेगा और जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप सभी को यहाँ पर जो थ्री लाइंस आपको दिखेगी यहाँ पर प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यह वह वाला अकाउंट रहना चाहिए जो कि आपने अभी दूसरा बनाया है या फिर आपने किसी अपने फैमिली मेंबर का लिया है, दोस्त का या फिर अपने किसी रिश्तेदार का या फिर आपने खुद अपने आप ये नया अकाउंट बनाया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा सिक्योर, यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। उसके बाद यहाँ पर आप जो है सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर दिखाएगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह दिखा दी जाएंगी। आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको जो चीज़ें हैं वह देखने मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको एक मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन। जब आप यहां पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखेगा यहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपना फेसबुक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सब यहां पर अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, जो भी आपका पासवर्ड रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जब आप वहां पर अपना पासवर्ड डाल लेंगे, डालने के बाद यहां पर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जिसमें कि यहां पर ये बोलेगा कि अपना जो ईमेल एड्रेस है वह चेक करिए, वहां पर आपके पास कोड आएगा। तो देखिए ये वाली ईमेल एड्रेस रहने वाली है, इसको आपको चेक कर लेना है, वहां पर जो आपको कोड देखने मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो कोड है वह आ चुका है, हम आराम से इसको इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आने के बाद हम इसको यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर इसको पेस्ट करके और यहाँ पर हम जो है इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे से पूछेगा कि क्या रिकमेंड करोगे, तो हम यहाँ पर SMS और WhatsApp पर क्लिक करके और दोस्तों यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर्स दिखा देगा, तो यहाँ पर आपको करना है एड न्यू नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर जो है क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप सभी को यहां पर वह वाला नंबर डालना है जो नंबर आपका उस वाले अकाउंट में है, यानी कि जिस अकाउंट में आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, और आपको उस वाले नंबर को यहां पर जो है डालकर और इसको यहां पर आपको जो है सेव कर लेना है। अब देखिए जो आगे की प्रोसेस रहने वाली है वो कुछ नहीं है, बस सिंपल सी है, वो है मैं आपको आप वैसे ही बताऊंगा। जब आप यहां पर अपना वह नंबर डाल दोगे और इसको आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, वह OTP आप डालकर इसको कन्फर्म कर दोगे। अब जब आप यहां पर इस नंबर से इस वाले मोबाइल, इस वाले जो ID है, इस पर अपनी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वह इसको इनेबल कर दोगे आप इस वाले अकाउंट में यही सेम नंबर यूज करके, तो जो आपका दूसरा वाला अकाउंट था ना जिसमें आपकी टू फैक्टर की प्रॉब्लम थी, वहां से वह ऑटोमेटिक ही रिमूव हो जाएगा, यानी कि वहां से वह ऑटोमेटिक ही रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो आपका टू फैक्टर है वहां पर वह हट जाएगा। उसके बाद अगर आप यहां पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपका वह डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, वहां पर कोई भी टू फैक्टर नहीं रहेगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपका 100% वर्क करता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियोज मैं आप सभी के लेकर आते रहता हूँ। थैंक यू।